कितनी बार ऐसा हुआ है कि फुल मून नाइट को आप घर गए और आपने चांद को देखा और आपके अंदर जितनी भी हलचल चल रही थी वो सब शांत हो गई। जैसे ही आपने मून को देखा, यू फेल्ट सो काम एंड रिलैक्स्ड और आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिल गया। इमेजिन कीजिए कि अगर ऐसा आपके साथ हमेशा ही होता रहे, मून को देखे बिना ही आपको नया पर्सपेक्टिव एट ऑल गिवन पॉइंट ऑफ टाइम्स, डे हो या रात हो, मिलता रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूनस्टोन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि वर्मा और मैं फिफ्थ जनरेशन ज्वेलर हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अपने चैनल का नाम चेंज करके जेम ऋषि कर दिया है। इसका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि हम लोग एक नई वेबसाइट के साथ आ रहे हैं जहाँ पर हम सर्टिफाइड जेमस्टोन्स बेचा करेंगे एंड उसकी जितना भी अर्निंग्स होगी 10% ऑफ दैट अमाउंट विल गो फॉर किड्स एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज किड्स। सो दोस्तों, मूनस्टोन का नाम मूनस्टोन कैसे पड़ा, इसके दो रीजंस है। रीजन नंबर वन, मूनस्टोन जो है वो मून जैसी एनर्जीज एमिट करता है और जैसे ही मून की हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, मूनस्टोन की हीलिंग प्रॉपर्टीज भी सेम मैच करती हैं। दूसरा, ये मून की तरह दिखता है। अगर आप मूनस्टोन देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये एकदम मून की तरह ही दिखता है। सो आगे हम बात करेंगे मूनस्टोन किसके लिए होता है, कैसे बनता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें कितने कलर्स अवेलेबल होते हैं, एंड टुवर्ड्स दी एंड मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ऑथेंटिक मूनस्टोन खरीदना है तो आप कैसे खरीद सकते हैं। मूनस्टोन जो है वो एक न्यू बिगनिंग का स्टोन है। इट इज़ अ स्टोन फॉर लव, अफेक्शन एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर। स्पेशली कहा जाता है अगर वुमेन इस स्टोन को पहनती है तो उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ये बैलेंस करता है, यिन एंड यांग एनर्जीज को ये बैलेंस करता है। मेन भी इसको पहन सकते हैं फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ये बहुत ही अमेजिंग कामिंग इफेक्ट आपको देगा और हर समय आपको कूल रखेगा। जैसे मून आपको कूल रखता है, वैसे ही मूनस्टोन भी आपको हमेशा कूल रखेगा। देखिए, अगर आप टेक्निकली स्किल हैं, अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं या फिर कोई भी टेक्निकल काम करते हैं, देन मूनस्टोन इज़ वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर यू। ऑल्सो अगर आप एंग्जाइटी, स्ट्रेस और ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स से डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर, देन मूनस्टोन कैन गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट। देखिए, मूनस्टोन की जो स्टोरी है वो एंशियंट रोम से शुरू हुई, जहाँ पे कहा जाता था कि जो मून की लाइट है वो एमिट करके मूनस्टोन को प्रोड्यूस करती है। हाउएवर, दिस इज़ नॉट वेरी ट्रू। बेसिकली मूनस्टोन जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में निकलता है, जैसे माडागास्कर, USA, इवन इंडिया, बिहार के अंदर मूनस्टोन निकलता है। जो रेनबो मूनस्टोन होता है वो बिहार से ऑरिजिन होता है एंड मूनस्टोन के कलर्स भी बहुत सारे आते हैं, जैसे पिंक, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड मेनी मोर कलर्स आर देयर, इंक्लूडिंग द रेनबो कलर विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक रेनबो कलर का मूनस्टोन मैं आपको दिखा रहा हूं जिसका ओरिजिन बिहार है एंड इट लुक्स फिनोमिनली गुड। फेल्डस्पार स्टोन जो होता है वो सिरेमिक और ग्लास इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर, इसके दो ग्रुप्स होते हैं, ऑर्थोक्लास और एल्बाइट। जो हीट एंड प्रेशर इतनी मिलती है, बोथ ऑर्थोक्लास एंड एल्बाइट मेल्ट होते हैं और मेल्ट होके एक दूसरे के साथ मिंट हो जाते हैं लेयर के अंदर। और जैसे ही इस पर्टिकुलर स्टोन के ऊपर लाइट पड़ती है, ये मून लाइट इफेक्ट आपको देते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो चेक नहीं करी है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पे क्लिक कीजिए एंड इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, और एट द सेम टाइम आप इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं और आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं वेयर आई टोल्ड कि व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल। सो प्राइसिंग की बात करते हैं तो मूनस्टोन कोई बहुत एक्सपेंसिव स्टोन नहीं है। ये लगभग 300 रुपये कैरेट से शुरू होकर 3000 रुपये कैरेट तक जाता है और अगर इसका ब्लूइश स्टोन आता है, जितना ट्रांसपेरेंट ये होगा उतना ये एक्सपेंसिव होता चला जाएगा। और ब्लूइश अगर टोन की मैं बात करता हूँ, ब्लूइश स्टोन में थोड़ा सा ये ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। देखिए, मैंने आपको वादा करा था कि टुवर्ड्स द एंड मैं आपको बताऊंगा कि ऑथेंटिक जेमस्टोन आप कहाँ से खरीद सकते हैं और कैसे खरीद सकते हैं। सी, बेसिकली आप जहाँ मर्जी से स्टोन खरीदिए, आपको एक चीज़ की श्योरिटी होनी चाहिए कि स्टोन जेन्युइन है। तो जेन्युइन स्टोन कैसे पता लगेगा? विद माई नॉलेज कि कोई भी ये जो वाटर टेस्ट होते हैं, फायर टेस्ट होते हैं, यू विल सी अ लॉट ऑफ वीडियोज सब जगह पे, ये सब फेक हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। आप ट्रस्ट कर सकते हैं एक सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट के ऊपर। अभी सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट आपको कहाँ पे अच्छा मिलेगा? देखिए, जो भी गवर्नमेंट लैब्स हैं, GJEPC सर्टिफाइड लैब्स हैं, वो लगभग 1000 से 1500 रुपये लेते हैं एक स्टोन की टेस्टिंग के लिए। सो अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया है ये स्टोन पहनने के लिए, तो आप इन सर्टिफाइड लैब्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जयपुर में है, दिल्ली में है, बट मेक श्योर GJEPC सर्टिफाइड होनी चाहिए। ये लैब्स जो एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया है वहाँ से सर्टिफाई होनी चाहिए और आप वहाँ से अपने सर्टिफिकेट करा सकते हैं। मूनस्टोन के अंदर
थोड़े बहुत बबल्स और क्रैक्स भी हो सकते हैं, बट जब तक सर्टिफिकेट नहीं होगा उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। इन केस आपके पास सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि आपको मूनस्टोन सूट करेगा या नहीं करेगा, देन डू ईमेल अस और आप मुझे बताइए एंड आई विल गिव यू द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, जिनसे आप बात करके इसके बारे में जान सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपको कौन कौन से स्टोन सूट करेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड दोस्तों, अगर आप बहुत एक्सपेंसिव स्टोन नहीं खरीद रहे हैं, अगर आपके स्टोन का बजट ही 500,000 रुपीज़ है, तो आई डोंट रिकमेंड कि इसकी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, बिकॉज इतने सस्ते स्टोन्स जो है वो लगभग मार्केट के अंदर फेक नहीं मिलेंगे। एज सुन एज द प्राइस गोज अप, थोड़ा फेक स्टोन्स मिलने शुरू हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, नमस्ते।